संजय सिंह जी, ये जो वीडियो आपने ट्वीट किया है, इसकी सत्यता और पुष्टि क्या आपने की है कि ये वीडियो उसी मौके का है? देखिए, जो वहां स्थानीय नागरिकों ने बताया, किसानों ने बताया, पुलिस के एक कांस्टेबल का बयान आपके टीवी चैनल पे भी चलाया जा रहा था, तो ये सारा कुछ, ये वीडियो उस बात की पुष्टि करता है कि जो लोगों के बयान हैं और जो ये वीडियो में दिख रहा है वो दोनों सत्य है, दोनों सच है। और इसका बाकी का काम पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, फॉरेंसिक लैब्स को करना चाहिए, पता करना चाहिए। आज मुझे बताइए, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसमें अब तक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई। 25 सितंबर का मंत्री का वीडियो है जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री अभी भी बना हुआ है, उसके बेटे के खिलाफ FIR हुई, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो न्याय कैसे मिलेगा किसानों को? इस वीडियो की सत्यता जांच करने के लिए तमाम एजेंसियां हैं, वो कहां सो रही हैं? किस कुंभकर्ण की नींद में वो लोग डूबे हुए हैं? कौन जगाएगा उनको? सवाल ये है, 10 महीने से किसान सड़कों पर है, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में, और एक के बाद और एक, ये वीडियो तो दिल दहला देने वाला वीडियो है। कीड़े मकोड़े की तरह किसानों को कुचला जा रहा है। सत्ता के अहंकार में मदहोश ये हत्यारी गाड़ियां किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल रही है, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए जी? लेकिन संजय सिंह जी, आरोप ये भी लगे, और आपने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें आप देखिए, जो गाड़ी किसानों को टक्कर मारती हुई जा रही है उसकी विंडस्क्रीन टूटी हुई है, उसमें बाकायदा एक छेद है, और विंड स्क्रीन ड्राइवर साइड से पूरी तरह से दरकी हुई है, बाहर देखना बहुत मुश्किल है। अगर पथराव हो रहा हो तो ऐसी सूरत में व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी तेजी से भगाता भी है। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत बयानबाजी है ये, बिल्कुल जान बचाने के लिए नहीं। वो किसान आराम से जा रहे हैं चलते हुए, उन्होंने कोई हमला नहीं किया है, गाड़ी स्पीड से पीछे से आती हुई, कुचलती हुई, रौंदती हुई, उसी गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी हुई भी दिख रही है। संजय सिंह जी, मैं आपको कह तो रहा हूं कि आप सारी जांच आप नहीं कर लेंगे, आप इसकी जांच होने दीजिए, पूरा सच सामने आने। मैं तो आपके सामने वो तथ्य रख रहा हूं जो किसानों के अतिरिक्त दूसरी पार्टी ने भी रखे। भाई, अजय मिश्रा टेनी की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से कहा गया कि पथराव हुआ था, पथराव के बाद ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए जीप को तेज दौड़ाया और उस दौरान ये हादसा हुआ, और बाकायदा उस ड्राइवर की जिसकी बाद में लाठी मार मार के हत्या कर दी गई, उसका जीवित समय का वीडियो भी है। वो ड्राइवर भी कह रहा है, दादा मुझे बख्श दो। पंजाब में क्या गाड़ी चला देंगे किसानों के ऊपर? पंजाब के अंदर अकाली दल ने प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे, 5 साल पहले की घटना बता रहा हूं, अपने टीवी चैनल पे वो वीडियो मंगा के देख लीजिएगा। मैं छिंदवाड़ा गया था मध्य प्रदेश, मेरी गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी के शासन में मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी में शांति से बैठे रहे। इस प्रकार का तर्क देना, इस प्रकार की बातें करना, ये सरासर हत्यारों को बचाने की कार्रवाई है। नहीं, हर घटना की तुलना आप दूसरी घटना से नहीं कर सकते। जो राउंड रहे किसानों को, आपके ऊपर हमला हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ, कहाँ हुआ, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ कहाँ हुआ, हर घटना को आप इस घटना से उसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जो तथ्य दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही कोई बात कहनी चाहिए ना संजय सिंह जी। नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं ना, मैं आप तो पूछ तो रहा हूँ आपसे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आशीष मिश्रा ये कह रहे हैं, भाई ड्राइवर भी कह रहा है, ड्राइवर का वीडियो है मरने से पहले का। आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का कि किसान पहले हिंसक हुए, उन्होंने पहले मारपीट शुरू की, कोई प्रमाण है? आपके पास प्रमाण है कि ये वही जीप है जिससे कुचला गया? वीडियो क्या है इसको? आपके पास प्रमाण है कि ये वही जीप है जिससे किसानों को कुचला गया? बिल्कुल हाँ, ये वही जीप है। कैसे है आपके पास प्रमाण, बताइए? आप उसकी जांच होने दीजिए सारी चीज। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आशीष मिश्रा जो कह रहे हैं उसकी जांच होने दीजिए। आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि गाड़ी पर पथराव किया गया, विंड स्क्रीन टूटी दिख रही है, उसमें छेद है, किसानों को बाद में टक्कर मारी गई, पहले हमला गाड़ियों पे किया गया। देखा आपने विकास जी, आपने वीडियो को देखा? बिल्कुल देखा मैंने, बिल्कुल देखा है। किसान हिंसा कर रहे हैं क्या उस गाड़ी के साथ? गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी दिख रही है, कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन खुद तोड़ेगा?
किसान जिन किसानों को कुचला जा रहा है वो शांति से आगे। गाड़ी की विंडस्क्रीन टूटी दिख रही है, आपने वीडियो ट्वीट करने से पहले संजय सिंह जी देखा है? संजय सिंह जी आपने वीडियो ट्वीट करने से पहले देखा? विंडस्क्रीन में घुस गए तुरंत, विंडस्क्रीन से बाहर निकल के देखिए। मैं वही देख, मैं तो दोनों तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तो दोनों तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आप केवल वही तथ्य रखना चाहते हैं। मत खड़े होइए, जो तथ्य आपको दिख रहे हैं आप केवल वही देखना चाहते हैं। हम दोनों देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गाड़ी टक्कर मार रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी की विंडस्क्रीन टूटी हुई है। आपके टीवी चैनल ने एक सच सच चलाया था, मैं तो उस पत्रकार की तारीफ करता हूँ, शायद विवेक त्रिपाठी या क्या नाम, बिल्कुल त्रिपाठी, उन्होंने चलाया था कि हमने ही चलाया था, जो मौजूद हमने ही चलाया था वो गाड़ी सिपाही का बयान, जिसमें सिपाही ने कहा है बेटा मारा गया कि आशीष मिश्रा गाड़ी चला रहे थे, हमने ही वो बयान चलाया था, हमने ही वो बयान चलाया था और हमारे सहयोगी विवेक ने वो बयान दिया था। की तो तारीफ कीजिए कम से कम। बिल्कुल, हम तो सभी तथ्य दिखाते हैं, आपकी तरह एक तरफा ट्वीट नहीं कर रहे हैं संजय सिंह जी, हम सभी तथ्य दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं किसान टक्कर मारते दिख रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि विंडस्क्रीन टूटी हुई है। अगर आपको इसमें एक तरफा बात दिखती है तो फिर संजय सिंह जी फिर तो बात ही नहीं की जा सकती कुछ। नहीं, मैं आपको कहता रहा हूँ कि आपके टीवी चैनल के एक पत्रकार ने सबसे पहली बार ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि एक सिपाही ने जो वहां मौजूद था, चश्मदीद था, उसने बयान दिया कि किस तरह से गाड़ी से कुचला गया, किसान शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। ये आपके टीवी चैनल के रिपोर्टर की रिपोर्टिंग है, कम से कम उसकी तो तारीफ कीजिए। नहीं, तो उसने सच बताया था इसको। संजय सिंह जी, हम आपकी भी तारीफ कर रहे हैं और हमने जो खुलासा किया है ना उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उसे हमें अपनी तारीफ में गाल बजाने की जरूरत नहीं है, आप ही तारीफ करेंगे, लेकिन जो तथ्य हैं उनको सामने ईमानदारी से रखना चाहिए। सच दिखाने का काम है, आपको गाल बजाने की जरूरत नहीं किसी की। बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों तथ्यों को सामने रखिए, एक तरफा बात मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी आपका। दूध का दूध और पानी का पानी तो जांच में ही होगा, जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, इस मामले में बाकायदा हाईकोर्ट की जज के नीचे जांच की जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।